अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे भाई महंगाई के ऊपर। महंगाई जो है वो ज़्यादा बढ़ गई है, इसी वजह से जो है लोग बहुत परेशान हैं। स्पेशली जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ रहा है। इतने शानदार विचार रखते हैं जी। मैं हूँ आपका पसंदीदा यूट्यूबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। आज बात करेंगे महंगाई के ऊपर। महंगाई जो है इतनी बढ़ गई है दिल करता है मर जाऊं। मर गया इंतकाल। मैं नहीं मरूं, मैं मतलब किसी लड़की पे मर जाऊं फिर वो मेरा खर्चा उठाए। के पूरे 8 साल से हम संगत से प्लान बना रही है घूमने का मस्त मस्त करके। हमारा अभी 2 महीने पहले प्रोग्राम डन हुआ था जाने का, लेकिन ये पेट्रोल इतना महंगा हो गया, इतना महंगा हो गया कि 8 साल का प्लान उन्होंने 8 मिनट में उन्होंने कैंसिल कर दिया कि यार महंगाई इतनी हो गई है, सॉरी भाई हम कहीं नहीं जा सकते। हमने 8 साल में पैसे जोड़े हैं ना, 2-2, 3-3 रुपए करके जो मेरी संगत ने जोड़े थे, गरीब संगत ने जो जोड़े थे, वो आज के दौर में इतने बनते हैं कि वो अपनी सिटी में ही सिर्फ बाइक में तेल पेट्रोल भराए और वो घूमता रहे। वो अबे ज़िंदगी एक बार मिलती है, हमने भी सोचा यार एक बार घूम के आ जाएंगे, पाकिस्तान टूर कर कर आ जाएंगे, ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, लेकिन तुमने हमारे टाइम पे इतनी महंगाई कर दी है। अबे हमसे 10 साल पहले महंगाई कर देते या फिर हमारे बात कर देते 10 साल बाद। हमने महंगाई अभी करनी थी, हमारे टाइम पे इतनी महंगाई करनी थी ताकि हम कहीं निकले नहीं, कहीं घूमने ना जाएं हैं। साल में कहीं जाके हमारी संगत ने प्रोग्राम बनाया था, तुमने वो कैंसिल कर दिया। एक तो संगत प्रोग्राम नहीं बनाती। अबे हमें जीने का हक नहीं है, हम जिए नहीं हैं, हम खुशियाँ नहीं मनाएं। बस सुना है ज़िंदगी एक बार मिलती है, उसको अच्छे से जियो। अबे हमें भी ज़िंदगी एक बार मिली, हमने कौन से 5-6 जन्म लेने हैं, हम भी मुसलमान हैं भाई, हमारा बिलीव है, हमें ज़िंदगी एक बार मिली है। लेकिन ये क्या यार, इसको जीने तो दो भाई, ये ज़िंदगी एक बार मिलती है, तुमने वो ज़िंदगी हराम कर दी हमारी। अबे मजा नहीं आ रहा है। बहन के भाइयों, माँ के लोंडे, कुत्ते की चप्पल हो, अबे तुम्हारी माला कंठ साले हो। कैसी लगी आगे स्वाद। मैं जॉब पे जाता हूँ, सुबह घर से निकलता हूँ, वापस आता हूँ, मेरे ऊपर 300 रुपए कर्जा होता है, मैं 300 रुपए किसी से उधार ले लेता हूँ। अबे ये हाल कर दिया तुमने है हमारा। अबे ये जिंदगी क्या ये है, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे तुम लोगों ने मुझे ऐसे गरीबों को तुमने कैदे बा मुशक्कत दी हुई है। सारा दिन वो जाते काम करते हैं, वापस आते कर्जे में डूबे हुए होते हैं, फिर वो घर आते तो ना लाइट ना बिजली ना गैस कुछ भी नहीं। अबे ये तो जेल में होता सजा याफ्ता मुलजिम के साथ, उसको देते ही सजा कि जा सुबह से शाम तक पत्थर तोड़ वापस आ, तो फिर तुम लोगों ने हमारा वो हल किया हुआ है। हम सुबह यहाँ से घर से निकलते हैं, जब वापस आते हैं घर से तो भाई 200-300 रुपये मेरे पर कर्जा होता है, मैं कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा है। अबे ये क्या चल रहा है, मुझसे अच्छा तो भाई वो जेल में कैदी है, उसकी ज़िंदगी सही है, उस पर उधार तो नहीं होता, वो भी ज़िंदगी ऐसी कुत्ते वाली गुजार रहा है, लेकिन उस पर उधार तो नहीं होता डेली का। भाई मेरे पे तो डेली उधार हो रहा है। भाई हमारा भी दिल करता है, हमारे भी दोस्त हो, हम भी घूमें फिरें, हम साथ जाएं हैं, अय्याशा करें, साथ खाना खाएं, चाय की होटल पे बैठे हैं, कोई ज़िंदगी को एंजॉय करें। इतनी टेंशन है वैसी घर की, इधर की उधर की, वो सब तुम लोगों ने सब बंद करा दिया, आपको घर से बाहर ही निकलता है। पहले मेरे दोस्त बोलते थे, हम लड़ते थे किस बात पर कि बाइक तू चला, बाइक तू चला, बाइक तू चला। अब हम लड़ते हैं इस बात पर कि भाई तू अपनी बाइक लिया, तू लिया, तू लिया, तू लिया, पेट्रोल तू डलाइयो, पेट्रोल पे लड़ ले। अबे ये संगत 1000 रुपये ऐसी खर्च कर देती थी, अब पेट्रोल पे लड़ रही है। तुम आप लड़ाई होती है कि वो बोलता भाई तू ऐसा कर अपनी बाइक लिया, वो बोलता है तू अपनी बाइक लिया, और जो अपनी बाइक लेकर आ रहा है वो फीता साथ लेकर आता है, फीता लाता है नापता है रोड को कितनी चली है गाड़ी, फिर उसके पैसे 50 रुपये पर ज़्यादा लेता है। बोला पेट्रोल ही नहीं भाई, टायर भी चला है, इसका टायर घिसा है इसके पैसे अलग दे, ऑयल लगा उसके पैसे अलग दे, वो 50 रुपये ऊपर लेता है। अबे संगत के अंदर ये हरामीपन चल रहा है। अबे भाई कुछ ख्याल करो, अबे तुम्हारी माला कंठ सालो, तो भाई एक बार ज़िंदगी मिली है इसे हमें अच्छे से गुजारने दो, महंगाई को कुछ कम करो, हम भी अच्छे से घूमें फिरें, दोस्तों के साथ जाएं, टेंशन होती है हर किसी को, कहीं होटल पे बैठें, कहीं खाना खाएं, कहीं फैमिली के साथ जाएं।